अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो तो उसका पहला स्टेप या उसकी बेस जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि HTML है। और ऐसे दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारे प्रीवियस HTML के लेक्चर नहीं देखे, तो लेक्चर का लिंक जो है वो आपको लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप हमारे लेक्चर देख के HTML को बआसानी सीख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। स्पैन टैग क्या होता है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, आज के लेक्चर में सीखेंगे। मैं फैसल रहमान, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और HTML को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो सीखते हैं। जी, आज हम स्पैन टैग पढ़ेंगे। स्पैन टैग जो है वो बेसिकली टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। तो जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी पैराग्राफ बना रखा है, पहले से ले रखा है, ताकि आपको स्पैन टैग समझाने में आसानी हो। तो ये एक वर्ड है पावरफुल, इस पे हम स्पैन टैग का यूज करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहां मैं लिख लूंगा स्पैन। अब यहां से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको यहां से कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब ब्राउजर को मैंने ऑलरेडी खोला हुआ, यहां से इसको रीलोड करता हूँ। दोस्तों देखें, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। अब इसमें डिजाइनिंग के लिए स्पैन टैग के साथ CSS का यूज होता है। तो CSS जो वो डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, पिछले लेक्चर में मैंने CSS का यूज किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो लेक्चर का लिंक आपको लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप तमाम लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप सीख के फॉलो करके लेक्चर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सब्लाइम टेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ स्पैन टैग के साथ स्टाइल टैग यूज करेंगे। यहाँ मैं इसको कलर दे लूंगा पहले। इसको मैं कलर दे लेता हूँ ब्लू। यहां से कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहां से इसको रीलोड करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए पावरफुल जो है वो ब्लू हो गया। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ आ जाना है। अब इसको लिख लेंगे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर मैं रख दे देता हूँ इसको येलो। कंट्रोल एस, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ। तो दोस्तों इसका कलर येलो हो गया। अब मैं इसको बॉर्डर भी देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर भी मैं दे सकता हूँ। उसके लिए यहाँ आ जाएगा बॉर्डर। बॉर्डर में इसको मैं दे लेता हूँ टू पिक्सल्स का, और उसका कलर रख लेता हूँ सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब इधर आता है, इसको रीलोड करता हूँ। दोस्तों ये देखें, इसका बॉर्डर भी लग गया, सॉलिड ब्लैक लगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 पिक्सल्स का कर दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कंट्रोल एस, अब इसको मैं रीलोड करता हूँ तो थोड़ा सा ये ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं किसी और टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसके अंदर वीडियो, तो इधर मैं स्पैन टैग यूज कर लेता हूँ। अब इसमें भी मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा। इसमें मैं कलर रख लेता हूँ इसका ग्रीन। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। अब यहां से रीलोड करता हूँ। तो दोस्तों ये देखे वीडियो भी ग्रीन कलर का हो गया। तो इस तरह से आप स्पैन टैग का यूज करके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बना सकते हैं, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और HTML को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोज़ को
आप फौरन देख सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अल्लाह हाफिज।